हाँ जी, तो करना क्या है, आपने सिंपली आपने गूगल पे जाना है, वहाँ जाके आपने यूट्यूब सर्च करना है। यूट्यूब पे जैसे ही आप पहुँचेंगे, यूट्यूब पे आपने सर्च करना है फिजिक्स बाय नदीम, और फिजिक्स बाय नदीम को आप सर्च करें। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है वो एक चैनल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करें, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह से हमारी फिजिक्स की अच्छी से अच्छी वीडियोज आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। अल्लाह हाफिज। औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सेकंड चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? चार्जेस एट रेस्ट को। तो हमने चार्जेस एट रेस्ट पढ़े, और फिर एट रेस्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है, और बहुत सारी ढेर सारी एप्लीकेशन जैसे गॉसेस लॉ, कंडक्टर, कैपेसिटर, और ढेर सारी चीज़ें हमने जो है वो उसमें पढ़ी थी। अभी जो हम चल रहे हैं, तो इस चैप्टर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, सबसे पहली बात मैं इसकी डेफिनेशन से क्लियर कर देता हूँ। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब यह है कि पहले चैप्टर में अगर हम चार्जेस एड्रेस पढ़ के आए हैं, तो अभी हम जो चार्जेस पढ़ रहे हैं वो चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे, तो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से जो फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज करंट। ठीक है, अब करंट का तो हमने बता दिया कि चार्जेस मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा जब उसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो टाइम के साथ साथ जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, दे आर नोन एज करंट। इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अगर हम चलें, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम बहुत ही फेमिलियर हैं सारे ही, ने बहुत सारे कंफर्ट्स हमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मिले हुए हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बने हुए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स में मुराद मेरा ये है कि आजकल अगर आप हर साइड पे अपने इर्द गिर्द देखें, तो इलेक्ट्रिसिटी, ईच एंड एवरी थिंग इज़ रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो 15 मिनट के लिए भी, या 20 मिनट के लिए भी, इवन इलेक्ट्रिसिटी गायब हो, तो वो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो सिचुएशन है और जो सिनेरियो है, ऑब्वियसली देर आर अल्टरनेटिव टू दिस वन, बट अल्टरनेटिव भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जनरेटर्स हो गए, जैसे आपके पास यूपीएस हो गए। तो हमने बात तो इलेक्ट्रिसिटी की करनी है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम अपनी जैसे भी हम देखें, तो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाना हर जगह आसान है, बजाय दूसरे रिसोर्सेज के। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है बेटा, मैं आपको आसान से तरीके से बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दी है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं पावर स्टेशंस हैं, ग्रिड्स हैं, उन पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को अगर ट्रांसमिट कर किया जाता है, ठीक है, थिक वायर्स के थ्रू, और हैवी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स वगैरह जो चीज़ें गिवन होती हैं, आप सबने देखी हैं पोल्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह, उनके थ्रू इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जहाँ पे ये बन रही है उन इंडस्ट्रीज के लिए, सॉरी उस जगह पे हमारे पास अराउंड 5 × 10⁵ वोल्ट, दैट मीन्स के 5000000, दैट 50,000 वोल्ट जो है यहाँ तक वो जनरेट कर सके, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ दैट जनरेटर कह लो, या ऑफ दैट पावर ग्रिड स्टेशन कह लो। अब उसमें क्या है कि इतनी 50,000 वोल्ट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहाँ से जनरेट की जाती है, और फिर पावर स्टेशन से वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, ताकि हम उसे अपनी इंडस्ट्रीज में और अपने होम्स में उसका यूज़ कर सकें। अब जब हमारे घरों तक ये पहुँचती है, तो हमें जो आप सबको पता होगा कि हमें 220 वोल्ट मिलते हैं। तो 220 वोल्ट्स क्या है, अब उसके बारे में हमने बात करनी है। तो 220 वोल्ट्स एक बड़ी ही मिनिमम अमाउंट है इन फ्रंट ऑफ 50,000 वोल्ट्स, बट हमारे एक पूरे घर को रन करने के लिए 220 वोल्ट्स जो है वो एनफ है। अब इसी चीज़ को हमने आगे देखना है कि जब 220 वोल्ट्स हमें पहुंचाई जा रही है, तो वो भी डिफरेंट वेज हैं। तो 50,000 जब मूव कर रही है, तो फिर देखा जाएगा हमारे तक 220 क्यों आ रहा है। तो उसमें रास्ते में डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, कुछ स्टेप अप होते हैं, कुछ स्टेप डाउन होते हैं। जहाँ इंडस्ट्रीज में हाई यूजेज है, वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं, और होम्स के लिए क्योंकि हमें कम यूजेज की जरूरत होती है, इसलिए हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ठीक है, अब
हमारे पास बहुत सारे इश्यूज भी हमें देखने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज इतना ज़्यादा हो गया है तो उसको जो क्रिएशन है वो कम है या प्रोडक्शन जो है वो कम है, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, बट वो हमारे इस टॉपिक में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। एक छोटा सा फिनामिना जो है वो हम लाजमी बता देते हैं आपके पास, कि जो जब चार्जेस मूव करते हैं तो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से उन चार्जेस के इर्द गिर्द, जिस पॉइंट जिस पोजिशन पे वो मूव कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, या हमने आगे पढ़ना भी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे क्या काम है, क्या वो इसको अपोज करती है, क्या वो इसको सपोर्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इसी चैप्टर में पढ़नी है, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो बेसिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर में करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, दैट इज मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और उन मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से जो फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जी, तो मज़ीद आगे हम जो है यहाँ पे अगर आप देखें अपने फर्स्ट पेज पे, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास एक डायग्राम बनी है। ये डायग्राम हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक ईल है, ये काइंड ऑफ फिश है, और ये इलेक्ट्रिक फिश है। इसमें इलेक्ट्रिक फिश को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको कुदरत ने एक ऐसी प्रॉपर्टी दी है जिस प्रॉपर्टी की बेस पे ये अपने हेड और अपने टेल के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट कैन जनरेट अप टू 600 वोल्ट। ठीक है, और 600 वोल्ट तक का जो जर्क है, अगर ये जर्क या इतना पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी पर्सन को लगता है तो इट कैन बी ऑफ सडन डेथ। ठीक है, आप अपने घरों में देख लो कि घर में आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं करंट तो लगा होगा, तो वो 220 वोल्ट का एक छोटा सा झटका होता है जिससे एक किस्म की जान निकल जाती है। तो दिस इलेक्ट्रिक फिश आर दिस ई कैन क्रिएट अप टू 600 वोल्ट्स, और इस 600 वोल्ट्स में अगर किसी का हाथ इसको लग जाए तो ऑब्वियसली बजाय इसके शिकार होने के वो पर्सन इसका शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक एनिमल है जो यहाँ पर उन्होंने दिखाया, तो हमने उसकी बात कर ली, और ये इसको कुदरत ने इसके सेल्फ डिफेंस के लिए जी है इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो हंटिंग और सेल्फ डिफेंस के लिए इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो ओरिजिनल हमारे पास टॉपिक है तो वो हमारे पास है स्टेडी करंट। करंट सबसे पहले हमने बात की कि चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं, जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी वजह से करंट जनरेट होगा, तो उसको ही हम उसकी डेफिनेशन में ले चलते हैं, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्टेडी करंट। ठीक है जी, तो जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जो मूव कर रहे हैं तो उसको हम स्टेडी करंट का नाम दे देते हैं, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, और जितने भी इलेक्ट्रिक करंट हैं उनको हम इजीली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो यहाँ पे उसने बताया इसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बताना ज़रूरी है कि जितने भी हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर तीन टाइप से मटेरियल होते हैं। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ईजीली जिनके थ्रू पास कर सकती है, और इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गिवन होते हैं। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ना तो 100% कंडक्टर होते हैं, ना ही 100% जो है वो इंसुलेटर होते हैं। एट टाइम टू टाइम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी वेरी करती रहती हैं। और जो इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, और ना होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। जो कंडक्टर है यहाँ पे उसने बता दिया, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जा रही है, दैट मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज हैं। जब वो नेगेटिव चार्ज हैं तो वो ऑब्वियसली टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो मूव करेंगे। जैसे ही वो पॉजिटिव टर्मिनल के मूव करेंगे तो उस सर्किट में करंट चलना जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे उतना हमारे पास करंट मूव कर रहा है। ठीक है, आप इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है एक कंडक्टर गिवन है। ठीक है, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, डिफरेंट डायरेक्शंस में पड़े हुए थे, बट जैसे ही हमने इसके साथ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगा दी, तो यहाँ पे अब अगर आप देखो तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब की एक डायरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है, और वो सारे के सारे मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव से लेके तो पॉजिटिव तक ये एक जो सर्किट बनता है, ये सर्किट हमारा क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है हमारे पास, जो कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर। ठीक हो गया, ये हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मूव करने वाला करंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक।
ठीक है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक करंट को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस इस तरह से करना है कि हमने देखना है कि अब मजीद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ें गिवन है तो उनको किस तरह से हमने स्टडी करना जी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है द करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स हों, प्रोटॉन्स हों, न्यूट्रॉन्स हों, ये सारे के सारे इन्हीं से मिलकर मैटर बना है, तो दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। अब इसको हम इसकी वजह से, इस मैटर इसकी वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मैटर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बेसिकली मैटर, ठीक है। बेसिकली मैटर मीन्स इन मोशन ऑलरेडी अगर दिया हुआ, दैट मीन्स कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन या मैटर इन मोशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो एक्चुअल करंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल है, और ऑब्वियसली जितना भी सर्किट दिया हुआ है उस सब सर्किट में से वो पास करके तो बैटरी तक जो है वो वापस पहुंच जाते हैं। अब इससे पहले जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं थी, यानी कि जब तक हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी नहीं कर रहे थे, तो उससे पहले हम नेचर की बात करते हैं। नेचर में हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि कोई भी चीज़ अगर एक हायर पॉइंट पे पड़ी है तो वो लोअर पॉइंट पे इजीली खुद बहुत आ सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक हिल कंसिडर कर लें, ठीक है, अगर यहाँ पे एक डायग्राम छोटी सी बना लें, तो अगर हमारे पास इस तरह से एक हिल दी हुई है, ठीक है, और इस हिल के ऊपर अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रखते हैं तो ऑब्वियसली ये रोल करके इस साइड पे खुद बहुत ईजिली आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ जो है बजाय यहाँ रखने के, अगर हम कोई चीज़ यहाँ रख देते हैं, तो क्या ये अपवर्ड मूव कर पाएगी? ऑब्वियसली ये यहाँ से मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रायर टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसी तरह की जो नेचर है वो नेचर इसको यूटिलाइज कर रही थी, और नेचर की वजह से हम ये कहते थे कि हमारे पास जो भी गिवन है, जितना भी हमारे पास मैटर गिवन है या इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, या यूं कह लो कि जो हमारे पास सर्किट में करंट मूव कर रहा है, दैट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। और पॉजिटिव चार्जेस जितने नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव टर्मिनल तक जो मूव करते रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट है। बट उस चीज़ को हमने क्योंकि नेचर से उठाया है, अपनी आसानी के लिए हमने एक चीज़ बनाई कि हाई पॉइंट से, क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो जाना है, तो इजी है, हाई से कोई भी चीज़ लो मूव कर सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी करंट की मूवमेंट में भी एक कन्वेंशन बना ली, ठीक है। तो उस कन्वेंशन की वजह से जो पॉजिटिव से मूव करने वाला करंट है उसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस भी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले हम एज्यूम करते थे कि जो करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल वाया सर्किट, दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये कन्वेंशन थी, तो कन्वेंशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू नेचर जो है हमारे पास, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस चीज़ को, इस एज्यूम डायरेक्शन की वजह से अभी भी हम सेम, जितनी भी हम सर्किट्स पढ़ते हैं, जहाँ पे भी आप बुक पढ़ लो, किसी भी जगह पे अगर देख लो, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही शो की गई होगी, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास इसी, ये जो अज्यूम डायरेक्शन है और वो हमारे पास जो थेरी है, जो नेचर की थेरी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ है कि उसकी वजह से हम इस करंट को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जितने सब्सटेंसेस में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना करंट जो है उसका फ्लो भी इजी होगा, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उतना आपके पास जो करंट है वो भी स्लो होगा, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम जो है वो कंडक्टर्स बोलते हैं, और कंडक्टर्स के साथ साथ जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स भी कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनको हम कंडक्टर का नाम दे देते हैं। इसी के साथ साथ जो है हमारे पास, अब देखो हम अभी चीज़ बात की, हमने मटीरियल की बात की, तो डिफरेंट मटीरियल्स में जो चार्ज की मूवमेंट है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इन डिफरेंट करंट कैरिंग मटीरियल द चार्जेस ऑन द मूविंग पार्टिकल मे बी पॉजिटिव आर नेगेटिव। मे बी पॉजिटिव आर नेगेटिव के मतलब ये है, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे चलें क्लियर करता चलूँ कि जब नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे, मैं डायग्राम को अगर सामने रख लूँ जी, तो यहाँ पे आपने याद रखना है जितने नेगेटिव चार्जेस इस साइड से नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हैं, उसी के ऑपोजिट पॉजिटिव से नेगेटिव भी जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं,
ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से मूव किए उतने पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड से मूव किए, ठीक हो गया। अब जब दोनों तरफ सेम है तो चाहे हम नेगेटिव की बात कर लें या हम पॉजिटिव की बात कर लें, नंबर ऑफ चार्जेस तो सेम है, और हमारे लिए जो डेफिनेशन है दैट इज कि नंबर ऑफ चार्जेस मूविंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम जितने नंबर ऑफ चार्जेस थे उसमें कहीं उसने ये नहीं कहा कि हमने पॉजिटिव चार्जेस की ही बात करनी है या हमने नेगेटिव चार्जेस की ही बात करनी है। तो जब उसने ऐसा कुछ बात नहीं की तो चाहे फिर पॉजिटिव की वजह से हो या नेगेटिव की वजह से हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों साइड से या दोनों चार्जेस की वजह से मूव करने वाला जो करंट है वो सेम होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स में जो मूविंग चार्जेस हैं ये हमेशा से इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हम अगर गैसेस की बात करें तो हमारे पास जो है वो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यूज होते हैं, और मैं इसको अगर आसान कर दूं आपके लिए तो सॉलिड लिक्विड गैस हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, लिक्विड्स में हमारे पास जो है वो आयंस यूज होते हैं, और गैसेज में हमारे पास जो है वो दोनों हो सकते हैं, चाहे वो जो है वो आयंस हों चाहे वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इन गैसेस द मूविंग चार्जेस आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, और इसी तरह से जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जैसे कि जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, तो उसमें हमारे पास पार्शली बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्शली बाय मोशन ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज बेसिकली हम पॉजिटिव चार्जेस को ही कंसिडर करते हैं, और उसका दूसरा नाम जो है वो हम ये भी कहते हैं कि होल्स हैं, ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस है। ये हम जाके स्टडी करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो हम अच्छी खासी डिटेल में उसको जो है वो रीड करेंगे, यहाँ पे भी इतनी डिटेल चाहिए नहीं। सो वैकेंसीज मीन बेसिकली या होल्स मीन यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक हो गया। अब साथ उसने बता दिया कि दीज आर द साइट्स, ये किसकी बात कर रहा है, उन्हीं वैकेंसीज और होल्स की बात कर रहा है। मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और दे एक्ट एज पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस मीन कि वो भी पॉजिटिव ही हमारे पास होंगे। जो होल्स हैं या वैकेंसीज हैं वो भी एज अ पॉजिटिव एक्ट करेंगे, ठीक है। तो वी डिफाइन द करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसने बात की कि हम अगर टोटल की बात करें तो टोटल क्या है, टोटल नेट चार्ज, चार्ज मूविंग थ्रू एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो बेसिकली करंट इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर नेट चार्ज हमारे पास क्यू दिया हो और एरिया जो है उसमें टाइम टी, सॉरी एरिया जो है वो कोई भी गिवन हो उसमें टाइम टी गिवन हो, तो जो करंट है क्योंकि एरिया रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए हम एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। अब जो चार्ज क्यू है दैट इज मेजर्ड इन कूलम्स, ठीक है, एंड द टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो आए है करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो बेसिकली क्या होगी फिर, कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो ये कूलम पर सेकंड का जो दूसरा नाम है उसको हम एम्पेयर कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट था जिसने इसको रिसर्च की, जिसने इसको बेसिकली हमें बताया, उसका नाम एम्पेयर था, तो उसी की बेस में हमने जो इसकी यूनिट रख दी एम्पेयर, ठीक है। और एम्पेयर जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज कूलम पर सेकंड। और अगर मैं वन एम्पेयर को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो वन एम्पेयर बेसिकली मींस कि करंट की वैल्यू वन तब होगी जब वन कूलम ऑफ चार्ज वन सेकंड में उस पूरे एरिया में से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो वन एम्पेयर इज द करंट व्हेन वन कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन वन सेकेंड, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में से जब आपके पास एक सेकंड में एक कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि इस कंडक्टर के थ्रू जो हमारे पास करंट है वो वन एम्पेयर का, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास फिर अब क्योंकि एम्पेयर एक काफ़ी बिगर यूनिट है, सो उसके लिए हम जो है जो हमें बुक्स में यूज़ करने को मिलता है उसकी प्रीफिक्सेस हैं, उसमें आपके पास मिली एम्पेयर है, उसमें आपके पास माइक्रो है, मिली और माइक्रो की प्रीफिक्स आपको ऑलरेडी पता है, मिली टेन पर माइनस थ्री है और माइक्रो जो है वो टेन पर माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये चीज आ गई। अब इसके साथ आपको एक चीज बताता चलूं, अब हम ऊपर बात करके आए हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हो या नेगेटिव चार्जेस हो कोई मैटर नहीं है या कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो करंट हमारे पास है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है दैट मीन्स कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएं या नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएं कोई मसला नहीं है, और ना ही हमने कहीं डेफिनेशन में बेसिकली हमने डायरेक्शन की बात की नहीं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन नहीं रिक्वायर होती वो क्वांटिटीज हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, और ये फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी है जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर वन में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसका मतलब भी सेम है कि ये वेक्टर ऑब्वियसली वेक्टर है ही नहीं, तो वेक्टर के किसी भी लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एनी कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं हम बेसिकली एवरेज वेलोसिटी को,
ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर मींस कि हम टोटल एवरेज वेलोसिटी जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, तो उसको हम देखते हैं जी। बड़ा आसान सा टॉपिक है, थोड़ा इसको हमने डिस्कस कर लेना है। एवरी मेटल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच वांडर रेंडमली विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये तो सबको पता है, बड़ा इजी सी चीज है कि जो भी मेटल है, ऑब्वियसली मेटल या कंडक्टर होते ही वो है जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है, बट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि आपके पास जो ये गिवन है, दिस इज नॉट 10^5, दिस इज 10^-5, ठीक है। तो ऑब्वियसली 10^-5 मीटर पर सेकंड है, देखने में ये बहुत कम लग रही है कि 10^-5 मीटर पर सेकंड है, बट ये जब हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या करंट की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जब हम एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड होने के बाद ये 10^-5 जो है, ये आपके पास जो है वो 3×10^8 तक जो है वो जा सकती है, और 3×10^8 मीटर पर सेकेंड जो कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइट स्पीड है, उससे ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है फिलहाल हम ये बात करेंगे कि हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। उस एवरेज वेलोसिटी में हमने साथ ये बता दिया कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये काफी हाई है, बट 10^-5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो रेंडम मोशन इसकी जो गिवन है हमारे पास, तो ड्यूरिंग द रेंडम मोशन जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, दे कोलाइड विद एटम्स ऑफ कंडक्टर अगेन एंड अगेन, और जितनी कोलिजन ज्यादा होती चली जाएंगी उतनी वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन बार बार चेंज करते रहेंगे। और यहाँ पे एक चीज बताता चलूं, अभी हमने क्योंकि उसको एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड नहीं की है, इसलिए हम किसी किस्म के कोई लॉस की बात नहीं करेंगे। लॉस क्यों बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तक इनको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड की जाती, जब तक इनको एक्सटर्नल फील्ड नहीं प्रोवाइड की जाती, तब तक इनकी जितने भी कोलिजन्स हैं दे आर इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन्स होती हैं जिनमें किसी किस्म की कोई एनर्जी वेस्ट नहीं, ठीक हो गया। तो पहली चीज तो यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर के जो एटम्स कह लो या उसकी जो वॉल्स कह लो, उसके साथ बार बार कोलाइड कर रहे हैं, और हर कोलिशन पे उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। और इसी रेंडम मोशन की वजह से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जब साइड्स पे कलेक्ट करते हैं तो कुछ हाफ राइट को जा रहे हैं, हाफ लेफ्ट को जा रहे हैं, तो वो राइट लेफ्ट क्योंकि उनको कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड नहीं की गई है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी तक उन्हें कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड नहीं की गई है, तो उस बेस पे हमारे पास जितने भी वैल्यूज गिवन हैं या जितने भी जो मोशन है वो हमारे पास हाफ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और उस बैलेंस की वजह से हमारे पास देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन दैट पर्टिकुलर इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हमारे पास एक सिंपल सी जो है वो बात हो गई। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे मूव करते हैं। 10^-5 आपने याद रखना है यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास जो है जब तक कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि करंट वहां पे, ऑब्वियसली मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं, मैंने ये बात की कि डायरेक्शन, डायरेक्शन मींस कि यहाँ पे जो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस है उनकी डायरेक्शन, ठीक है। चाहे अब हमने ये नहीं कहा कि वो नेगेटिव की डायरेक्शन हो या वो पॉजिटिव की डायरेक्शन, ठीक है। तो जब तक नेट फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा इन एनी डायरेक्शन, हम यहाँ कह लेते हैं, तब तक हमारे पास कोई करंट जो है वो करंट कंडक्टर में मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तक करंट नहीं मूव करेगा किसी भी कंडक्टर में, दैट मींस कि हम अभी वहां पे कोई चीज स्टडी नहीं कर रहे। सो करंट को स्टडी करने के लिए या करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस कंडक्टर के अराउंड जो है या उसके अलॉन्ग जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम कंडक्टर पे इस तरह से अप्लाई करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास जो वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे उन सब के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड एक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ से बात शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसमें एटम्स भी दिए हुए हैं ब्लैक कलर में, रेड ब्लैक डॉट्स में, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एरोस की फॉर्म में दिए गए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रेंडम डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शंस जो है वो मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जब तक यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो कोई भी आपके पास करंट मूव नहीं कर रहा। बट जैसे ही हमने यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट किए, अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमें पता है कि दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, करंट की डायरेक्शन को नहीं बता रही है, मैं आपको बता दूँ। अब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी सबकी नजर आ रही है टूवर्ड्स द पॉजिटिव है। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, वो करंट की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे ये होगी, ठीक है। किसकी करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट की। लेकिन अगर कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो कन्वेंशनल करंट आपकी डायरेक्शन जो है वो सेम एज दिस वन।
ठीक हो गया जी। ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट भी हो गया, करंट की बात भी हमने कर ली। हुआ क्या कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पे जो है वो डेल्टा वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जो है वो पुश मिली और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर उधर क्लाइड करने की बजाय उन सबकी जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सर्किट में मूव करते रहेंगे उतना इस सर्किट में करंट ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा। ठीक है जी, ये तो हमारे पास ये चीज़ होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उनके ऊपर फोर्स लगेगी, उस फोर्स की वजह से वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स द कॉन्टिन्यूस कोलिजन विद इन द एटम्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगी और उनकी एक एवरेज वेलोसिटी यानी कि सबकी जो डायरेक्शन है वो सेम होना शुरू हो जाएगी। और जो सेम डायरेक्शन की वजह से उनमें एक एवरेज वेलोसिटी, पहले क्योंकि वो इधर उधर एक ही जगह पे मूव कर रहे थे तो कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं थी, अब सारे के सारे क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन पर यूनिट टाइम जो है वो आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके पास आ रही है। तो अब हमने जो एवरेज वेलोसिटी की भी बात की है तो उस एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही इसको डिफाइन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो हमने यही कहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनको मिल गई, उसी को हम दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड मीन्स दे मूव इन एनी मेटेलिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम वी, ये स्मॉल वी है, कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। इस बुक्स में बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, वो आपने ठीक करते रहने हैं। यहाँ पे जो आपके पास गिवन है दिस इज स्मॉल वी इंटू डी। ठीक है, तो स्मॉल वी डी जो है उसको हम उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ये वैक्टर क्वान्टिटी है इसलिए हम इसको वैक्टर के एरो से भी साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दोबारा से वही बात हम पहले भी बता चुके हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-5 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। एक डू यू नो है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और डू यू नो में उसने यही कहा जो हमने स्टार्ट में, बल्कि हमने ये क्लियर कर दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 10^-5 इतने स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं तो रूम लाइट तो फौरन से ऑन हो जाती है जब हम उसको स्विच को क्लोज करते हैं। स्विच क्लोज, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सर्किट में जब भी क्लोज का वर्ड आए उस क्लोज का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स कि हमने सर्किट को ऑन किया, और ओपन का मतलब होगा ऑफ। यहाँ पे सर्किट में थोड़ा सा ये रिवर्स होता है, अगर क्लोज की बात की जाए दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो ऑन है, और अगर ओपन की बात की जाए दैट मीन्स हमारे पास ऑफ है। ठीक है, तो अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन की वजह से रूम लाइट फौरन ऑन हो जाती है। तो आंसर भी उसने साथ बता दिया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जो इससे पहले वेलोसिटी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की थी 10^-5। ठीक है, वो तब है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट में जो मूव करने की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जब मूव करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि हमारे बटन ऑन करते साथ ही जो लाइट है वो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा टॉपिक था। इसके साथ ही हम लेक्चर को अपने जो है वो ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। तब तक अल्लाह हाफिज़।